क्या ये 2TB USB असल में भी 2TB है या जस्ट हमारे साथ एक फ्रॉड है, वो भी दराज की तरफ से। दराज पे आजकल USBs बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं, वो भी 2TB, 1TB, 500GB प्लस, और वो कितनी कीमत में ये मिल रही है आपको 998 रुपीज़, मतलब अंडर 1000 रुपीज़ में आपको USB पड़ रही है, और विद डिलीवरी आपको ये अप्रॉक्सीमेटली 1100 की पड़ जाती है। तो आज इसी USB का पोस्टमार्टम करना हमने यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है और मेरे पास अभी प्रोडक्ट आज पहुँच गया है। तो दराज से मैंने ऑर्डर की है, तो ये कुछ पैकेजेस है हमारा दराज का, क्योंकि ओवरसीज़ है इसलिए इस तरह का पैकेज हमारा आता है, तो मेरा ट्रैकिंग वगैरह और कॉन्टैक्ट सब कुछ यहाँ पे गिवन दिया जाता है। तो ये बेसिकली हमारा इस तरह का पैकेज है। तो USB बड़ी क्लासिक सी मैंने ऑर्डर की है, अब ये देखना है कि इसके अंदर भी वो चीज़ है या नहीं। तो मैं कटर भूल चुका हूँ, तो इसको यहाँ से ठीक काटते हैं। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। और ये रही हमारी USB, दिस इज़ 2TB USB, ऊपर मेंशन भी है। तो ज़्यादा इसमें कुछ चश्के वशके नहीं है। USB की अगर बात करें तो दिखने में USB काफ़ी सॉलिड और काफ़ी ज़बरदस्त है, और साथ में की चैन उन्होंने हमें फ्री में दी है ताकि आप मज़े करें और अच्छी रिव्यू हमें दे पाएँ। लेकिन आज हमने इसका करना है भाई पोस्टमार्टम, तो पता चल जाए कि भाई कितना पानी में है ये, वाकई ही 2TB की है भाई या नहीं। तो ये हमारी किचन भी यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 2TB, सही है, 2TB ऊपर मेंशन है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, एक न्यू डिज़ाइन के साथ यहाँ पर USB हमें गिवन दी जाती है। आई थिंक सो ये आयरन है, यस ये लोहा है आयरन, ठीक है। और USB की तरफ से मेरे नहीं ख्याल के हमें ये किसी भी किस्म का डैमेज देगी, यस इस इट्स 2TB HP, ओरिजिनल तो नहीं हो सकती क्योंकि यार 2TB, ओ भाई लोग 2TB 1000 रुपये में कौन देता है। इसलिए मैंने अपने पास आज लैपटॉप रखा हुआ है और हम इस USB को टेस्ट आउट करने वाले हैं, साथ में आपको बताने वाला हूँ क्या ये 2TB USB असल में भी 2TB है या जस्ट हमारे साथ एक फ्रॉड है, वो भी दराज की तरफ से। तो लेट्स ओपन माई लैपटॉप, तो अब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मैं साथ साथ यहाँ पर बताऊँगा। तो अब हमारा लैपटॉप की स्क्रीन आपके सामने आ रही होगी, तो यहाँ पर जिस तरह से आपको दिख रहा है कि मेरी ड्राइव्स हैं C, D, E, F, G and H हैं। तो अभी ड्राइव में यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे इसको लगाऊँगा, पहले तो ये चल जाए बड़ी बात है। तो यस ये चल चुकी है, और यहाँ पर जो ये ड्राइव की जो टोटल जगह है वो 1.90 TB बता रहा है, मतलब भाई 1000 रुपये में 1.90 TB आपको मिल चुकी है यहाँ पे, मतलब 2GB। अब यहाँ पर हमने देखना ये है, और मेरे पास क्योंकि काफ़ी डेटा पड़ा और मैं यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करूँगा USB ड्राइव में, तो फिर पता चल जाएगा हमें क्या ये इस रेंज में हमें 2TB USB मिल भी रही है तो नहीं, क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर की काफ़ी हाई एक फोल्डर पड़ा हुआ है। तो डायरेक्टली हम सॉफ्टवेयर को यहाँ से पहले मैं आपको शो करवा देता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाके, सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो 82.8 GB आ चुकी हैं। अब भाई मज़े की बात ही अब यहाँ से स्टार्ट होनी है, तो मैं पूरा का पूरा फोल्डर जो है इसको पहले तो मैं विंडो 11 यार मैंने यहाँ पे नई नई इंस्टॉल की है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हैं, तो मुझे थोड़ा समझने में टाइम लग जाएगा। तो आई थिंक सो कॉपी ये नीचे है, येस इट्स कॉपी, मिनिमाइज द स्पेस से, एंड USB ड्राइव में जाके हम यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं। तो देखते हैं भाई ये सच में इतनी है भी है या जस्ट हमारे लिए एक फ्रॉड लिखा गया। अगर ये 82 GB अभी यहाँ पे पूरा कर लेती है, तो 82 GB के बाद दोबारा हम कोई और फोल्डर्स या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं वो USB में यहाँ पे डालेंगे, और डालने के बाद जो है हम दोबारा मतलब के देखेंगे कि वाकई ये 2TB है भी, और साथ में जितना ये चलेगी मैं एक शॉर्ट बना के भी अपने चैनल पे बता दूँगा कि भाई
क्या ये यूएसबी कितना टाइम इसने निकाला है। स्पीड की अगर यहाँ पे बात करें तो स्पीड बिल्कुल ही नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। आजकल जो एचपी की वो जो दूसरी यूएसबी नहीं मिल रही होती, जो चाइना की कॉपी है, बेसिकली पेशावर में बन रही होती हैं, उनकी स्पीड से भी इसकी स्पीड जो है वो कम है, नाकारा है, किसी खाते में इसकी स्पीड आ नहीं रही है। बाय द वे जो भी है ये आपके सामने है। इधर ही कंपेयर अगर मैं करूँ अपनी दूसरी यूएसबी को, तो मेरे ख्याल से उसकी उस यूएसबी की स्पीड 20 MB टू 30 MB ईजीली जाती है, तो इस यूएसबी की स्पीड वो 6 MB 4 MB बहुत अच्छी स्पीड नहीं है। ये 2.0 से भी इसकी स्पीड रिड्यूस है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, जब तक कॉपी करते हैं इसको हम ज़रा फास्ट चला देंगे और देखेंगे कि भाई कितनी, एक तो कितना टाइम में ये कर दी है यूएसबी कॉपी, और दूसरा ये कि इसकी जगह भी पता चल जाएगी हमें कि हाँ भाई ये इतनी स्पेस इसकी वाकई ही है इस वीडियो में। तो वीडियो अब करते हैं पॉज। तो हाँ भाई, अभी हमने इसको टेस्ट आउट किया था 358-355 के आसपास, तो अब टाइम हो रहा है 4:30, और अभी तक जो कॉपीइंग हुई है वो जस्ट 9% हुई है। स्पीड कभी केबीज में जा रही है और कभी एमबीज में जा रही है। आधा घंटा हो चुका है और मैं इसको देखता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी इधर उधर भी गया और बाहर भी गया, फिर वापस आया और देखता रहा भाई इसकी स्पीड। लेकिन स्पीड भाई इसकी, मेरा नहीं ख्याल के ठीक है, इससे दूसरी यूएसबी जो कि मैंने यहाँ पर रखी हुई है अपनी, ठीक है, इसकी स्पीड इससे बेहतर है। ठीक है, ये 64 GB यूएसबी है और मार्केट से आपको 800 के आसपास मिल जाती है, मतलब 64 GB की यूएसबी आपको इस प्राइस टैग में मिल रही है, 2 TB की जो कि है नहीं, लेकिन इसकी स्पीड मिनिमम जो है वो 15 MB जाती है और मैक्सिमम कभी 30 चली जाती है, 40 तो खैर नहीं कहेंगे, 30-31-35 के आसपास रहती है। इस यूएसबी से ये यूएसबी 2 दर्जे बेहतर है, ठीक है, क्योंकि अब अगर आपको स्पीड दिखाऊं यहाँ पे तो केबीज में चल रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करी, क्योंकि इसमें मैंने तो पैसे ही ज़ाया किए हैं। खैर, रिटर्न इसको मैं कर दूंगा अगर, क्योंकि इसकी शेप मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, होप्स हो कि ना भी करूं, बस शेप ही है इसकी, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसकी स्पीड भी नहीं है, साथ में कॉपिंग मेरे नहीं ख्याल कि यार इसमें 2 TB है, लेकिन ये कि वीडियो में मैं इसको मैं अभी देख दिखा नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि आधे घंटे में जैसे इसने 9% की है, तो मैं एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, कि साथ में आपको बता दूंगा कि 2 TB USB की आखिर एग्जैक्ट जो है वो वॉल्यूम क्या है, तो मैं अपलोड वहाँ पर कर दूँगा, आपको साथ में बता दूंगा, क्योंकि यार 2 TB अगर 2 TB एग्जैक्टली है तो इसको फुल करने में मेरा पूरा दिन लग जाना है, ऊपर से अभी तक आधे घंटे में जस्ट 9% हुई है और वो भी केबीज में जा रही है, 5 MB से ज़्यादा इसकी अभी तक स्पीड नहीं गई, तो स्पीड के लिहाज से भी फ़र्क है और पैसों के लिहाज से भी फ़र्क है। अगर दराज से अभी जो मेरा रिव्यू देख कर जो कस्टमर आया है, मतलब परचेज़ करने से पहले मेरे वीडियो देखने के लिए आया है, तो उसके लिए ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा भाई, डोंट बाय दिस यूएसबी, आप जाके 64 GB ये यूएसबी लोकल मार्केट से परचेज़ कर लें, बेशक कॉपी हो, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर स्पीड आपको ये वाली यूएसबी प्रोवाइड करेगी। एक तो चाइना से आती है, 15-20 दिन वैसे ही लग जाते हैं इसके, और जब पहुँचती है, जब आप इसको देखोगे तो यार लानते ही भेजोगे, तो इससे बेहतर है कि आप ये वाली यूएसबी ले लो। हाँ, अगर किसी को शशके मारने हैं, शशके मारने के लिए जिसके पास पैसे कुछ ज़्यादा हैं, तो वो ये चीज़ बिल्कुल मेरी तरह परचेस कर सकता है। जिसको नहीं ज़रूरत, जिसने अपने पैसे बचाने हैं और पैसे बचाने के साथ साथ उसके एक रिलायबल चीज़ चाहिए और जल्दी चाहिए, मेरे ख्याल से लोकल मार्केट में आपको ये यूएसबी मिल जाती है। इसका तो बेड़ा ही गर्क कर दिया मैंने, कलर वगैरह उड़ गया, लेकिन ये कि आपको रिकमेंडेशन में यही कह रहा हूँ कि भाई आप लोकल मार्केट से ये यूएसबी ले लें, इसे छोड़ दीजिए। अभी जाके 10% हुई है, 3 मिनट में 1% कर रही है, और वो 9% भी का पता नहीं कब का रुका हुआ था, 5 मिनट तो मैक्सिमम उसने लिए ही 1% ने बढ़ते। तो ये हाल है भाई इस यूएसबी का, तो मुझे नहीं लगता मैंने इसमें कुछ और बताना मुझे चाहिए। की चैन के बारे में बात करें तो भाई की चैन साथ में हमें रिश्वत के तौर पर उस बंदे ने हमें ये दिया कि भाई रिव्यू अच्छा करना। खैर, इसकी मैं लताड़ता हूँ अभी रिव्यू में, तो होप सो
आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसमें बहुत सी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ, अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स से आप उससे ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे मैं आंसर कर दूंगा। तो ये हमारी यूएसबी है, तो डोंट बाय दिस यूएसबी यार। मुझे लगता ही नहीं है कि 2TB यूएसबी जो है ये लॉन्ग टर्म ले सकती है, निकाल सकती है। तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम आपके पास निकालती है। अगर आपने ये परचेज़ कर ली, वैसे तो परचेज़ ना ही करें, ये वाली ले लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।